दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे अगर आपको क्लास ट्वेल्व के लिए इंग्लिश ग्रामर अगर आपको पढ़ना है ना या फिर क्लास टेंथ के लिए भी तो मतलब हालांकि यहाँ पे क्लास ट्वेल्व पे हम थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं अभी यहाँ पे और देखो इसमें हम आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे ग्रामर के टॉपिक हर एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे एक एक करके तो मतलब कुल मिला के बात करें तो पूरी ग्रामर की आपकी तैयारी यहां से होने वाली है तो अगर आपकी ग्रामर अगर स्ट्रांग नहीं है अगर आपको लगता है थोड़ा सा वीक पोर्सन हमारा ग्रामर है तो आप जो है इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं अगर शुरुआत से जितने भी लेक्चर्स अभी आएंगे तो वो सारे लेक्चर्स अगर आप ग्रामर के देख लेते हैं मैक्स और आपका ग्रामर जो है एक सही हो जाएगा और बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा तो पे पे हम शुरू करते करते हैं हैं और इस ग्रामर के पहला टॉपिक आर्टिकल आर्टिकल से स्टार्ट होती क्या है सबसे पहले बात करें तो बचपन से आप लोग इसके बारे में पढ़ते हुए आए हैं बचपन से ही आप लोग इसको पढ़ते हुए आया आर्टिकल्स को ठीक है आर्टिकल्स क्या होती है इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं आप कुछ लोग इसमें से बोलेंगे भैया हम तो नहीं पढ़ते आए हैं आप कौन से बचपन की बात कर रहे हो? तो देखो यहां पे आपको याद होगा आप जो है पढ़े होंगे क्या चीज के बारे में ए एन ठीक है और डी के बारे में ठीक है ए एन और डी के बारे में आप पढ़े होंगे ठीक है ये तीन जो है इसके बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको याद आया कि इसका यूज कहां, कहां करते हैं कौन से शब्द के पहले कौन से सेंटेंस हम लोग क्या यूज करते हैं शब्द से पहले कहाँ पे ए यूज करते हैं कहां पे एन यूज कर, कर, करते हैं और कहां पे डी यूज करते हैं बचपन से इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत था हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना कि जहां पर जो है ना मतलब आए ठीक है जहां पर वोवेल आए वहां पे हम लोग एन का यूज कर लेंगे ठीक है जहां पर वोवेल आए वहां पे एन का और जहां पे कॉन्सोनेट आए वहां पे हम लोग ए का यूज कर लेंगे और जहां पे कुछ खास हो ठीक है कुछ स्पेशल हो वहां पे हम लोग uh, दी का यूज कर लेंगे ठीक है तो हम लोग बचपन से यही तीन हम लोग पढ़ते आए हैं uh, क्या हो जब हम अगर आपको बोले कि ये जो है ये जैसे आप पढ़ते थे ये जैसे आप पढ़ते थे ये गलत है ठीक है ये जो है गलत है जो आप बचपन से पढ़ते आए थे ये गलत है तो कैसा लगेगा आपको कहोगे भैया आप बहुत ज्यादा तेज बन रहे हो हम हमारे बचपन से टीचर्स ये पढ़ाते आ रहे हैं तो क्या ये ये आप ये आप कैसे गलत कर सकते हो तो देखो यहाँ पे ऐसा ही है ऐसा ही होगा ये गलत हो जाएगा आप, अगर स्पेशली सिर्फ इसी ट्रिक को याद रखोगे तो तो आज के इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में कुछ अलग टाइप के रहते हैं और स्पेशली आप उसमें कंफ्यूज करके अपना गलत कर लेते हो और फिर बाद में पछताते हो तो मेनली हम बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग ए का यूज कहाँ पे करेंगे एन का यूज पे करेंगे और डी का यूज पे करेंगे चलो ठीक है मान लेते हैं कि आपको ये भी पता होगा कि ए एन और दी का यूज कहाँ होता है क्या आपको पता है बहुत सारी जगह पे आर्टिकल यूज ही नहीं होता है जहां पे नो आर्टिकल का यूज होता है मतलब वहां पे कोई आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है ठीक है क्या आपको ये पता है कोई आर्टिकल्स भी एक कहीं पे ऐसा भी होता है जहां पे आर्टिकल लगता ही नहीं है ये चीज आपको पता है क्योंकि भैया ये चीज तो नया है तो वही सारा चीज तो देखेंगे मतलब आज के इस क्लास को जब आप देख लेते हो तो आपको आर्टिकल्स रिलेटेड और कोई वीडियो नहीं देखना है सिंपल सी बात चलो तो स्टार्ट करते हैं और मजेदार तरीके से क्लास को देखेगा बस हम एक चीज आपको निवेदन करेंगे कि आप लोग प्लीज इसको रटने की कोशिश मत करिएगा ग्रामर में हम जितना हद तक बोले आप समझने की कोशिश करिए जितना हम आपको बताते चलेंगे बस उसको आप ध्यान में रखिएगा ग्रामर आपको रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और सबसे पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं ना आर्टिकल 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 हम लोग करते जा रहे हैं आखिर ये आर्टिकल है क्या तो देखो सिंपल सी बात है ए एन और दी को हम लोग क्या कहते हैं है. है है? तो है, है, है वही चीज हम आपको अभी बताए हैं ए एन और दी को क्या कहते हैं आर्टिकल कहते हैं तो कोई भी पूछेगा आर्टिकल किसको कहते हैं बोल देना ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं और यहाँ पे एक और चीज आती है ए और एन को क्या कहते हैं ए और एन को, को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और हम लोग दी को कहते हैं ठीक है तो A और एन को हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं अभी देखो इसको और अगर डिटेल्स हम लोग समझे ठीक है इसको अगर हम लोग और डिटेल से समझे तो देखो यहां पे एक हम बनाए हैं ठीक है एक यहाँ पे चार्ट हम बनाए हुए हैं और इसके माध्यम से आप समझिए ठीक है सबसे पहले देखो आर्टिकल हमारे पास है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है थेके? इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ रहे हैं और आर्टिकल को बेसिकली समझ लो ऐसा कि दो पार्ट में बांट दिया गया है पहला हमारा पार्ट है क्या चीज पहला हमारा पार्ट है इनडेफिनिट इन आर्टिकल और दूसरा हमारे पास पार्ट है क्या चीज डेफिनिट आर्टिकल ठीक है आर्टिकल के दो प्रकार हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास आता है पहला कौन सा ए और दूसरा आता है एन ठीक है दूसरा आता है एन और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ दी आता है ठीक है तो यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि आर्टिकल जो है कुल मिला के दो प्रकार के होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट में हमारे पास आ जाते हैं ए और एन और डेफिनेट में दी का इस्तेमाल करते हैं देखो दी का इस्तेमाल हम कब करते हैं जब कुछ स्पेशल हो जब कुछ ऐसा हो जो बहुत ज्यादा खास हो या फिर इकलौता हो ठीक है उस समय हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे वो वो क्या है चीज डेफिनेट है इसलिए यहां पे डेफिनेट आर्टिकल और ये इसको हम कहीं पर भी यूज कर लेते हैं ठीक है मतलब कॉन्सनेट और वोवेल को इसको देखते हुए थोड़ा सा वो सब आगे जानेंगे और उसके माध्यम से कहीं पर यूज कर लेते हैं आर्टिकल हमारा हो गया अगर इसको और डिटेल्स हम लोग पढ़े ठीक है देखो जब हम आर्टिकल पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा क्यों ना ऐसा क्यों ना पढ़े कि मतलब अगर कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा कहीं से भी घुमा फिरा के अगर पूछना चाहे ना कि देख लेते हैं इसमें कितना दम है ये कितना हद तक जानता है आर्टिकल्स को तो उसको भी आप चुप कर पाओ तो कुछ वैसा ही वैसा ही क्यों ना पड़े कि मतलब इससे कोई भी एक भी चीज बच के नाम से जा पाए तो उस तरीके से चलिए पढ़ते हैं और बस ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा ठीक है ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा सबसे पहला हमारे पास आती है क्या आर्टिकल ठीक है यही चीज हम देखे थे ना कि क्या होते हैं ठीक है तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपको यह समझ में आया है इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास कौन कौन से चीज आता है इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए आता है और दूसरा एन आता है ठीक है ए और एन आता है अब चलो देखो यहां पे परिभाषा क्या लिखा हुआ है जो डेफिनेट आर्टिकल ना हो उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं भैया ये तो वही बात कर रहे हो अगर हम आपसे पूछे कि ठंडा क्या होता है तो आप बोलोगे जो गर्म नहीं होता है वो ठंडा होता है जी हाँ कुछ ऐसा ही परिभाषा चलो मान लो ठीक है जो डेफिनेट आर्टिकल ना हो वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं उसे ठीक है या जब हम इन जनरल बात करेंगे तो उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं मतलब जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं और कुछ स्पेशल चीज के लिए जब स्पेसिफाई करें बात करेंगे तो उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे तब जाके हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ गया जब इन जनरल बात करेंगे तब ए और एन का और जब कुछ स्पेशली बात करेंगे कुछ इकलौता है स्पेशल है तो उसके जगह पे हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो चलो आगे हम आपको ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आपको ए एन और दी का यूज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर एकदम बोले तो मक्खन चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आती है क्या चीज इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है ठीक है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती है चलो ओके बढ़ते हैं आगे इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होती है इस पर नजर डालते हैं ठीक है आर्टिकल्स के डेफिनेट पे कुछ कुछ हम हाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं इससे डरना नहीं है ये मत सोचना कि बहुत टफ है इसको हम आसान हिंदी बना, बना, के आपको बताते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है द इनडेफिनेट आर्टिकल आर यूज व्हेन वी टॉक पीपुल्स ठीक है व्हेन वी टॉक पीपुल एनिमल आइडिया इन जनरल और इनडेफिनिट वे जब हम लोग जनरली बात करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे यानी ए और एन का यूज करेंगे भैया मतलब सब लोग कहोगे भैया एक ही चीज को आप क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो देखो ये खास है थोड़ा सा बस आ, दस बीस मिनट का लेक्चर आप सुन लोगे ना तो आपको आर्टिकल में कहीं से दिक्कत नहीं होगी इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहे हैं और फिर नोमेरिकल मतलब मेनली बात करें प्रैक्टिस आपको करवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दस बीस बीस मिनट का लेक्चर कितना काम आ रहा है अभी देखो यहाँ पे क्या है

The the article a, a, a is used before आर्टिकल एज uh, uh, with consonant sound and n is used before the word begin with vowel sound. <laughs> अब यहाँ पे क्या है अभी देखो अब आया ना थोड़ा सा मजा अब आप कहोगे तो भैया आप तो फंस गए आप तो फंस गए आप गलत पढ़ा दिए आप अभी शुरू में क्या बोले थे कि यहाँ पे आप तो आप ही तो बड़ा कूद, कूद कूद के बोल रहे थे कि यहाँ पे जब भोवल लाएगा तब एन होगा और कॉन्सनेंट होगा तब ए होगा और ये गलत है आप ही तो बोल रहे थे कि सिर्फ सब इसमें नहीं बनेगा तो अब आप क्यों बोल रहे हैं ये चीज अब आप क्यों बोल रहे हैं तो देखो अब देखो अब आएगा मजा यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हम लोग ए का यूज करेंगे जब हम लोग ए का यूज करेंगे तब क्या होगा तब हम लोग कंसोनेंट साउंड जब बढ़ेगा तब जाके और जब एन का यूज होगा कब जब भोवेल हो तब तो देखो यहां पे एक चीज समझो एक चीज समझो यहां पे क्या है साउंड ठीक है साउंड ये इस पे फोकस करो ये बहुत ही भयानक वर्ड है साउंड ठीक है जब ए हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब कॉन्सोनेंट साउंड होगा कहोगे तो भैया ये कॉन्सोनेंट तो हम समझते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है आप क्या बात कर रहे हैं तो अब देखो यहां पर क्या होता है यही चीज हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बस आप इतना तो समझ गए ना कि मतलब जब कॉन्सनेट साउंड होगा तब हम लोग ए का और जब भॉवेल साउंड होगा तब जाके हम लोग एन का यूज करेंगे अब देखो अब तो आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा अब देखो आगे क्या है हाउ ठीक है हाउ एवर समर्ड स्टार्ट विथ ए Well later, but begin with a a consonant uh, sound. So we use uh, the article a before these dekho सो वी यूज टफ लग रहा है कुछ वर्ड जो है स्टार्ट होता है ए से ठीक है कुछ वर्ड ऐसा है जो कि स्टार्ट तो ए से होता है और बट बिगिन विथ consonant, विथ ए कॉन्सनेंट साउंड ठीक है लेकिन वो कॉन्सनेंट साउंड से uh, मतलब वो स्टार्ट होता है तो अगर हम बात करें जैसे आप नॉर्मली इसको ही समझ लो ठीक है ऑनेस्ट को लो ठीक है ऑनेस्ट को अगर आप लो तो ऑनेस्ट मैपने को क्या दिख रहा है ऑनेस्ट को दिख रहा है क्या चीज एच ओ एन ई एस टी ठीक है यही हमें दिख रहा है ना एच ओ एन ई एस टी अब यहां पे ये यह बताओ इसके, इसके इसमें हम क्या यूज करेंगे ए का यूज करेंगे या एन का या फिर डी का थोड़ा सा गेस करके आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे ए का या एन का या फिर डी का ठीक तो देखो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये लगेगा कि इस फॉर्मूला से ठीक है इस फॉर्मूला से हम बनाते हैं और देखते हैं सर कैसे गलत करते हैं तो यहां पे अगर फॉर्मूला आप लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है 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 सामने सामने तो तो आप सिंपल क्या सोचोगे H अगर सामने है, तो इसका मतलब ये है कि ये है, और कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं ए लगा देते हैं ठीक है यानी जब भॉवेल रहता है तब एन लगाते हैं और जब कॉन्सोनेंट होता है तब हम लोग ए लगाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे ऑनेस्ट ऐसे देखेंगे और कहेंगे एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट है ए लगाओ लेकिन यहां पे बात किया गया है साउंड जब हो तब जाके ठीक है अब कहोगे ये कॉन्सोनेंट साउंड और भोवेल साउंड क्या होता है थोड़ा सा ये जानते हैं देखो अब यहां पे क्या है ए वर्ड विगेन विथ वर्ड ठीक है बट साउंड कॉन्सोनेंट रहे रहते हैं तब जो है बहुत कंफ्यूजन होती है इसलिए अब हम हिंदी के स्वर जो है स्वर स्वर वर्ण वर्ण मतलब जब रहे तब जाके एन और जब व्यंजन वर्ण रहे तब ए का यूज करेंगे अभी देखो यहां पे हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो है गलत हो जाएगा ठीक है ये जो है गलत हो जाएगा ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पे क्या होता है यहां पे इसको हम पढ़ेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे कैसे ऑनेस्ट ठीक है इसको पढ़ेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑनेस्ट ठीक है ऑनेस्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट और यहां पे देखो ऑनेस्ट में आपको क्या लग रहा है कि ओ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है ओ से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे हमारे पास क्या है स्वर जो है स्वर साउंड आ रहा है ठीक है जब आवाज जो हम बोल के देख रहे हैं कि ऑनेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है ओ ओ आ रहा है है तो क्या स्वर है स्वर है यानी भोवल है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग एन का यूज करेंगे तो ऑनेस्ट में हम लोग एन का यूज करेंगे तो कहोगे भैया अब तो यहाँ पे आप सही बात बोले थे ये जो है ये तो गलत हो गया अभी इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं और क्रिस्टल क्लियर करते हैं कैसे देखो अभी हम यहां पे क्या बोले कि अब हम लोग को हिंदी के माध्यम से पढ़ना है ठीक है इंग्लिश के माध्यम से तो हम लोग देख लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यह सब चीज कि होनेस्ट में ऐसे ऑनेस्ट में होनेस्ट पढ़ेंगे तब जाके हमको ऐसा होगा ऑनेस्ट पढ़ेंगे क्या हो रहा है यह सब चीज क्या दिक्कत चल रहा है तो अब देखो अब हम लोग जो है हिंदी के स्वर में क्या चीज यहाँ पे है गौर करिएगा यहाँ पे क्या है ड और साउंड कंसेंट रहे तब जाके हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहां तक छोड़ दीजिए अब देखिए अब हम, हम हिंदी के स्वर वर्ण जब रहे तब एन का इस्तेमाल करेंगे जब हिंदी के स्वर वर्ण ठीक है जब रहे तब जाके हम लोग एन का यूज करेंगे और जब हिंदी के व्यंजन वर्ण रहे तब हम लोग ए का यूज करेंगे सिंपल से बात समझ में आया जब हम लोग के पास हिंदी का यहाँ पे क्या हो जब हम लोग का यहाँ पे हिंदी का क्या रहे स्वर रहे ठीक है हिंदी का स्वर रहेगा तब जाके हम लोग एन का यूज करेंगे और हिंदी का अगर व्यंजन रहे ठीक है हिंदी का अगर व्यंजन रहे तब हम लोग क्या करेंगे ए का यूज करेंगे इंग्लिश को हम लोग छोड़ देंगे ठीक है इंग्लिश को हम छोड़ देंगे अब देखो यहां पे स्वर और व्यंजन यहां पे अंतर अब देखो हिंदी में स्वर आपको पता होगा कौन कौन सा होता है अ होता है ठीक है आ होता है हर होता है दीर्घई होता है हर सऊ दुर्गऊ अंग और अ ठीक है तो ये यहां पे कुछ स्वर वर्ण होते हैं जब ये आपको जब बोल के आप देखोगे कोई ऐसा शब्द है उसको आप बोल के देखोगे अगर सबसे पहला शब्द आपको इन सब में से दिखेगा ना तो सिंपल सी बात है अपने सिंध होकर सिंपल सी बात है आप क्या टिक करोगे आप एन लगाओगे ठीक है उस समय एन हो जाएगा और जब इसके अलावा और कोई वर्ड हो तो आप उस समय ए का उपयोग करोगे क्रिस्टल क्लियर क्लियर है बोलो सब लोग एक बार प्लीज आप लोग बोल दो क्या आप लोग को समझ में आया चलो ओके क्लियर है सर ओके चलिए ठीक है अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है अभी देखो और क्रिस्टल क्लियर करते हैं अभी तो बस ये ट्रेलर है अभी तो आपको बहुत कुछ और जानना है अभी तो बस ये कहो क्या आप एक अभी थोड़ा सा छोटा सा आ, मतलब पानी का रेत बस देखे हो अभी आपको समंदर तक जाना है तो वही चीज है अभी बस आप आ, आर्टिकल में बस एक छोटा सा चीज देखे हो अभी और आगे बढ़ना है आप लोग को ठीक है तो यहां पे आप क्लियर हो गए कि जब हम लोग को हिंदी में शॉर्ट वर्ण आपको दिखेगा तब जाके एन और जब व्यंजन रहेगा तब ए अब यहां पे देखो अब आप बोल के देखो ठीक है अब आप यहां पे बोल के देखो ऑनेस्ट ठीक है ऑनेस्ट 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 आप आप बोलते हो तो यहां 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 पे पे साइलेंट होता है 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 आपको बोल बोल रहे हैं, honest जो है, आप honest बोल रहे हैं हैं ठीक जो क्या आ रहा है ओ आ रहा है ठीक है ऑनेस्ट में क्या आ रहा है ओ आ रहा है तो ओ में आपको यहां पर क्या लग रहा है हिंदी में क्या है स्वर है तो यहां पे ऑनेस्ट में हम लोग क्या उपयोग करेंगे एन का उपयोग करेंगे क्लियर बन रहा है ठीक है अब चलो और एग्जाम्पल हम लोग आगे देखते हैं ठीक है और एग्जाम्पल देखते हैं इससे क्या होगा आपका बहुत ज्यादा ये क्लियर होगा देखो एग्जाम्पल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब तक आप लोग क्या कहोगे ग्रामर की जितनी ज्यादा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ग्रामर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका ग्रामर कभी अच्छा नहीं हो सकता है इसलिए ग्रामर जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए ये हम आपको बार बार शुरू से बोलते आए हैं और अभी भी ये चीज बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी और चलो यहां पर यह सबसे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि आपको ये आर्टिकल कितना आया अभी और चीज जानना है दी का उपयोग कब करना है नहीं कब करना है आर्टिकल का उपयोग ये सब चीज तो बाकी है देखो अब देखो आई हैव ए पेट कैट ठीक है क्या है आई हैव ए पेट कैट तो यहां पे क्या चीज है यहां पे देखो पेट में यहां पे क्या आ रहा है तो यहां पे पो आ रहा है तो यहां पे ए का उपयोग हम लोग किए ठीक है यहां पे हम लोग पो आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा था ठीक है तो व्यंजन आ रहा था तो हम लोग ए का उपयोग किए उसके बाद देखो एन एरोप्लेन ठीक है यहां पर हम लोग को क्या आ रहा है आ, ए आ रहा था तो ए यहां पे क्या है स्वर वर्ण है तो यहां पे हम लोग एन का उपयोग किए उसके बाद देखो सी इज ए डॉक्टर तो यहां पे क्या आ रहा है यहां पे आ रहा है डॉ ठीक है यहां पे क्या आ रहा है यहां पे आ रहा है डॉ ठीक है तो यहां पे हम लोग ए का उपयोग किए ठीक है इसलिए हम लोग ए का उपयोग किए उसके बाद दे ब्राउट एन ऑरेंज ठीक है ऑरेंज में यहां पे क्या आ रहा है ओ आ रहा है ठीक है ऑरेंज ओ आ रहा है तो यहां पे हम लोग एन का उपयोग किए ठीक है यानी ये क्या है स्वर वर्ण है जब भी स्वर वर्ण रहे तब जाके हम लोग एन का उपयोग करेंगे ठीक क्लियर तो ये यहां पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आया और एग्जाम्पल देखना है क्या चलो देख लेते हैं और एग्जाम्पल है क्या इसमें और एग्जाम्पल दिया गया है चलो हाँ बिल्कुल है और ये कुछ और एग्जाम्पल है जो कि अब इंटरेस्टिंग है अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है ठीक है अब देखो ही इज एन इंडियन ठीक है तो यहां पे क्या है आई है तो आई इंडियन में क्या है ई e, तो ई e यहां पे आया ठीक इस है इसमें e क्या आ रहा है ई आ रहा है ठीक है तो ई e यहां पे क्या हो गया ई e जब रहा है, तो ये स्वर बन हुआ स्वर रहेगा तब एन का उपयोग करेंगे तब जाके एन का उपयोग करेंगे और वही यहां पे एन का उपयोग किया गया है उसके बाद देखिए यहां पे क्या है अमरेला है ठीक है अम्बरेला है तो इसमें यहां पे बोलने में हम लोगों को क्या आ रहा है ओ आ रहा है अम्बरेला ठीक है अम्बरेला ठीक है तो अम्ब आ रहा है तो यहाँ पे पे ये ये क्या हो गया ये आप गया स्वर एन का उपयोग करेंगे ठीक है यहां पे हम लोग एन का उपयोग करेंगे ऐसे यहां पे देखो यूरोपियन अब कहोगे भैया यहां पे आपको पता है आपको पता है यहां भॉवेल क्या होता है भोवेल क्या होता है ए आई ओ यू ये सब भोवेल होता है तो भैया यहाँ पे ई आया और भोवेल जब भी रहता है तो हम लोग एन का उपयोग करेंगे एन का उपयोग करेंगे और यहाँ पे देखो ई आया तो भैया ये भोवेल है तो हम लोग एन का उपयोग क्यों नहीं किया यहाँ पे ए आप क्यों इस्तेमाल किया आप गलत है भैया तो ये कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे देखो ऐसे मत सोचना ठीक है ऐसे मत सोचना आ, ये आप इंग्लिश वाला भूल जाओ अब हिंदी से याद रखो सीधा बात है आप बोल को देख बोल के देखना है कि आपको स्वर वर्ण लग रहा है या व्यंजन वर्ड लग रहा है ठीक है तो यहां पे बोल के देख रहे हैं तो इसको हम कैसे बोलेंगे यूरोपियन ठीक है क्या बोलेंगे यूरोपियन तो यहां पर हम लोग को क्या आ रहा है तो यहाँ पे यो आ रहा है ठीक है यूरोपियन में यो आ रहा है और यो क्या है एक व्यंजन है यो क्या है एक व्यंजन है और व्यंजन जब भी रहेगा तब हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल कर दिए ठीक है क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है आप लोग पहले बोलो ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है तब जाके हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत खास है इसी में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं जो बचपन वाला ट्रिक है ना वो यहीं पे आके गलत होता है ठीक तो जल्दी से पहले हमें बताओ हम देख लेते हैं आप लोग का कमेंट आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है चलो ओके सर इसलिए एक का यूज हो रहा है चलो ठीक है ओके सर समझ में आ गया ओके चले। <laughs> चलो चलो अच्छी बात है सबको समझ में आ रहा है आगे बढ़ो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है दिस इज आ, दिस इज ए यूनिक आइडिया है क्या है यहां पे कहो भैया आ गया आ गया भैया यू आ, क्या आ गया भोवेल आ गया तो भोवेल यहाँ पे क्या लगाओ भोवेल आ गया भैया एन लगाइए एन लगाइए जल्दी से जल्दी से भैया एन लगाइए लेकिन रुको 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 हम क्या बोले हिंदी में पढ़ के देखो हिंदी में पढ़ के देखो पढ़ो इसको क्या है क्या है यूनिक आइडिया यूनिक आइडिया तो यानी यहां पे क्या आ रहा है यो आ रहा है यूनिक में क्या आ रहा है यो से स्टार्ट हो रहा है तो जब भी ये क्या है व्यंजन है तो सीधा बात है ए लगाओ ना छोटा जो सोचोगे यहां पे वाला इंग्लिश से अगर याद करोगे बहुत गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल से आप देखिए आपको ऑलमोस्ट अब आपको आ, ए और एन कहाँ पे इस्तेमाल करना ये तो पता चल गया लेकिन इतना ही पे नहीं लेकिन कहाँ कहां उपयोग करेंगे आखिर बताइए हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे हम लोग हैंड के बगल में क्यों नहीं इस्तेमाल किए अब एक सवाल है आपको बड़ा बहुत जो है कुछ स्टूडेंट पे ऐसा लग रहा होगा ठीक है अगर बहुत अच्छा क्लियर है बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात बताओ एक बात बताओ अगर बहुत अच्छा आर्टिकल का नॉलेज है सबसे पहले हमें यह बताओ कि हैंड के बगल में हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल किए इसके बगल में हम लोग ए या एन क्यों नहीं लगाए ए और एन इसके बगल में क्यों नहीं लगाए या फिर बोलो तो हम यहां पर सी के बगल में क्यों नहीं लगाए ठीक है ए या एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किए अब बोलो इनके बगल में क्यों नहीं ए या एन लगाए कुछ सोचे खुद सोचे क्या चीज होती है तो ये सब भी आपको पढ़ना होता है आर्टिकल में तब जाके आप एक अच्छा आर्टिकल का नॉलेज हो पाएगा आओ ना थोड़ा सा देखते हैं मतलब आज के इस क्लास को जब आप देख लेंगे तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से एक क्वेश्चन दे दे आपसे अगर नहीं बने तब हमको बोलना ठीक है चलो तो देखते हैं अब आते हैं हम लोग फाइनली जो टॉपिक है आज का हम लोग को हम लोग का जो टॉपिक है यूजेज ऑफ ए एन और दी तो इसमें सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है हमारे पास इनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है ए और एन आता है तो एन हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कहां कहां होती है पहले हम लोग ये समझेंगे और तब जाके हम लोग दी का इस्तेमाल को समझेंगे तो अभी मेनली बोल सकते हैं कि अब आपका आर्टिकल का ये टॉपिक शुरुआत होती है अभी तक तो बस आप बेसिक से बेसिक बेसिक सारी चीजों को आप जाने हैं अब आपका मेन आर्टिकल अब से स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब से आपका स्टार्ट हो रहा है तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी देखिए यहां पे क्या है यहां पे क्या है यूजेज ऑफ ए और एन ठीक है ए और एन क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल है अब जो है सबसे पहले यहां पे क्या देखना है यहां पे हम लोग को सबसे पहला यहां पे रूल क्या है सबसे पहला रूल है वी यूज ए और एन बिफोर सिंगलर काउंटेबल नाउ ठीक है आ, एक चीज आप देखे हो ए और एन का मतलब क्या होता है एक चीज हमें ये बताओ ए और एन का मतलब क्या होता है ए और एन को आप हिंदी में क्या कहते हो इसको क्या कहते हो एक कहते हो ना ठीक है इसको क्या कहते हो एक कहते हो ना एक कहते हो ना तो जब यहाँ पे क्या है एक का बात रहेगा कोई एक व्यक्ति वस्तु तो यह सब चीज का तो हम लोग उस समय ए और एन का उपयोग करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो ठीक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब जाके जब अगर बहुत ज्यादा होगा तब हम लोग ए और एन का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे तब जाके हम लोग ए और एन का इस्तेमाल क्यों करेंगे क्योंकि एक का यहाँ पे है ठीक है राम इज ए बॉय ठीक है यहां पे देखो एग्जाम्पल जैसे राम ठीक है इज ए बॉय ठीक है यहां पे क्या राम एक लड़का है क्या यहां पे राम एक क्या है लड़का है ठीक है तो यहां पे देखो अभी यहां पे देखो क्या बोला गया यहां पर राम का जो मतलब है यहां पे आ गया ठीक है और उसके बाद यहां पे इज आ, चला गया है और ए का मतलब यहां पे क्या आ गया एक ठीक है ए का मतलब यहां पे एक और बॉय का मतलब यहां पे लड़का हो गया तो ए का यहां पे मतलब क्या आ रहा है एक आ रहा है तो जब जब यहां पे दो लोगों के बारे में बात करेंगे तब क्या हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे सिंगलर काउंटेबल नाउन होगा तब जाके हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पहला तो आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए ठीक है ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट छोड़ते हैं इस सब चीजों को और जिसके कारण गलत होता है अक्सर अक्सर गलत होता है ये सब चीज और नॉर्मली जो है ना बात करें जो टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा करते हैं यह सब चीज जरूरी है जो नहीं पढ़ाते थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए हर लोगों को अब देखो यहाँ पे क्या है हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है सी वांट सी ए डॉग फॉर हर बर्थडे ठीक है वो क्या चाहती है एक कुत्ता चाहती है तो यहाँ पे डॉग है तो यहाँ पे डॉग के सामने हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है डॉ आ रहा है ठीक है यहाँ पे डॉ आ रहा है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल करेंगे अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम लोग देखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पे देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है ठीक चलो यहाँ पे क्या है कैट इज इज एनिमल ठीक है ए एनिमल यूज करेंगे या एन एनिमल तो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या एक के सामने यूज कर रहे हैं तो एनिमल यहाँ पे एनिमल में ए आ रहा है तो ए यहाँ पे क्या है एनिमल ए ए ए यहाँ पे क्या है स्वर है तो यहां पे क्या हो गया एन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आई सो एलिफेंट इन द जू तो एलिफेंट में यहाँ पे क्या है ए आ रहा है ठीक है ए यहाँ पे क्या है स्वर है एन का यूज करेंगे ही हैज बाइक ठीक है तो यहाँ पे क्या रहा? B यहाँ पे आ रहा है बी में पे आ रहा है यानी ये व्यंजन व्यंजन है है तो बेंजन है, तो ए का इस्तेमाल करेंगे ठीक तो सबसे पहला आपको रूल पता हो गया कि जब सिंगलर काउंटेबल नाउन हो तब जाके हम लोग ए और एन का यूज करेंगे और जैसे हम लोग आपको रूल बताए थे उस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं ठीक है पहला रूल क्लियर दूसरा रूल पे चलते हैं ठीक है और दी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दी के लिए अभी आप रुकिएगा अभी सबसे पहले हम लोग दूसरा रूल पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है दूसरा रूल हम लोग क्लियर कर लेते हैं देखो दूसरा रूल हमारे पास क्या है वी यूज ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ऑक्युपेजन एंड प्रोफेशन कोई भी व्यवसाय और कोई भी जो है ना पेशा से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं कोई भी व्यवसाय और कोई भी पेशा से पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं ठीक है ए और एन का यूज करते हैं है, कोई भी व्यवसाय या कोई भी पेशा के पहले जैसे यहाँ पे देखो क्या है ही इज एन इंजीनियर ठीक है इंजीनियर में यहाँ पे क्या है एक पेशा है तो पेशा है तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहां पे ए और एन का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे ठीक है यहां पे देखो ही इज इंजीनियर ठीक है इन ठीक है ये यहां पे है अब आपको यहां पे बताना है इस बॉक्स में ए और एन का इस्तेमाल करना है क्या करना है ठीक है तो सबसे पहले यहां पे आपको एन या फिर दी का इस्तेमाल करना है तो आपको एक चीज हम बताएं एक रूल आपको बताएं कोई भी ऑक्यूपेशन हो ठीक है कोई भी ऑक्यूपेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो उससे पहले हम लोग ए और एन का ही इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो ए और एन में से अब हम लोग को चूज करना है कि हम यहाँ पे ए चूज करें या फिर एन चूज करें तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास रूल क्या पता है इंजीनियर ई e यहाँ पे आ रहा है, e आ रहा रहा है 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 ठीक ई इंजीनियर में क्या आ रहा है e ई आ रहा है ई e क्या है हमारे पास स्वर है और स्वर जब भी रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे एन का इस्तेमाल करेंगे तो ही इज एन इंजीनियर यहाँ पे हो गया ठीक है तो जो रूल है उस रूल पे हम लोग बनाते चलेंगे और अच्छे से यहाँ पे देखते चलेंगे ठीक है हर फादर इज ए डॉक्टर ठीक है यहाँ पे डॉक्टर में क्या आ रहा है डी आ रहा है और ये प्रोफेशन है इसलिए यहाँ पे ए आई एन का इस्तेमाल करेंगे और ए एन में से हम चूज करेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर में क्या है डो uh, आ रहा है तो यहाँ पे क्या है ये व्यंजन वर्ण है इसलिए ए का इस्तेमाल करेंगे क्लियर इसी तरीके से टीचर में यहाँ पे एक प्रोफेशन है और यहाँ पे टी है uh, यानी ये व्यंजन है ए तो इस्तेमाल करेंगे uh, यहाँ पे क्या है uh, समीक्षा इज ए चीफ

कि आप लोग का जो भी ग्रामर का पोर्सन है अगर आप इसी तरीके से डेली बेसिस पे पे आप 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 थोड़ा सा समय अगर इन्वेस्ट करके यहां पे आप देते चलेंगे तो लोग का का ग्रामर टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जो टेंशन होती है ना एग्जाम के समय पर सबसे ज्यादा एक और बात कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ग्रामर से ज्यादा प्रश्न रहती है बुक से ज्यादा ही ग्रामर से प्रश्न रहती है इसलिए ग्रामर को थोड़ा सा ज्यादा से फोकस करिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है ए और एन का इस्तेमाल हम लोग एग्जेक्टिव आ, से पहले भी करते हैं ठीक है एग्जेक्टिव नाउन से यहाँ पे पहले भी करते हैं नाउन फ्रेज से आ, जैसे यहां पे देखो गुड गर्ल ठीक है तो यहां पे क्या है गुड एडजेक्टिव है और क्या है गौ है तो यानी गौ यहाँ पे क्या है व्यंजन है तो ए का इस्तेमाल इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है ई uh, e है ठीक e है ई है uh, यानी ये स्वर है एन का इस्तेमाल किए ब्यूटीफुल यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव है यानी एक क्या है ये एक विशेषण है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल में बो आ रहा है तो बो क्या है एक यहाँ पे व्यंजन है uh, so, uh, हा व्यंजन है तो यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल करें क्यूट क्यूट में यहाँ पे कॉ आ रहा है कॉ यहाँ पे क्या है व्यंजन है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करें ठीक है तो ये भी आपका क्लियर ये भी क्लियर अब चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चौथा रूल पे चलते हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी और भी कई सारे रूल्स को देख लेना है और फिर यहाँ पे आगे हम लोग डी पे पहुंच जाएंगे ठीक है तो बस आगे यहां पे देखिए जब भी शॉर्ट फॉर्म नाम हो ठीक है तब जाके हम लोग क्या करेंगे तब जाके हम लोग सीधा सीधा एन का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तब जाके जब भी वहां पे हो बॉबेल साउंड अगर कर रहा हो तो सिंपल सी बात है जब भी ये हो सीधा सीधा शॉर्ट अगर हो एन एन इज यूज विथ एब्रीबियशन शॉर्ट फॉर्म बिगिन विद द लेटर डेट ए भोबल साउंड ठीक है तो देखो यहां पे हिज फादर इज एम पी तो एमपी में यहां पे क्या है एम ठीक है एम पी ठीक है तो यहां पे क्या रहा? आ रहा है ए आ रहा है ए आ रहा है तो स्वर है आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया स्वर हो गया और स्वर हो गया तो एन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहां पे एन का इस्तेमाल करें और ये एम पी शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में रहती है में में क्या हो गया N, ठीक N, N तो तो है तो यहाँ पे आ रहा है X, तो तो स्वर हो गया पे एन का इस्तेमाल किए उसके बाद रे में क्या आ रहा है एक्स ठीक है तो ये स्वर हो गया इसलिए हम लोग एन का इस्तेमाल किए क्लियर शॉर्ट फॉर्म वाला भी क्लियर बोलिए तो बोलिए तो फटाफट जल्दी से ये भी आपका क्लियर हुआ या नहीं ये भी आपका क्लियर हुआ यस सर ओके यस भैया यस क्लियर है ओके चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है इसी तरीके से बस बने रहिए और आगे चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम नहीं गवाना है जल्दी जल्दी फटाफट अब थोड़ा सा थोड़ा रूल है इस सबको जल्दी से खत्म कर लेना है ठीक है अब देखो आगे क्या है वी यूज ए और एन विद द नाउन टू एक्सप्रेस ए क्वांटिटी यूनिट्स और प्राइस स्पीड रेशियो वेट हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को एक्सप्रेस करना कोई चीज बताना हो जब क्वांटिटी का यूनिट का प्राइस का स्पीड का रेशियो का वेट का जब हम लोग बात करेंगे तब जाके हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करेंगे जैसे डजन बनाना था यहाँ पे क्या है डजन यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ रहा है कि कितना कितना पीस तो डजन एक दर्जन तो एक दर्जन तो यहाँ पे एक दर्जन यहां पे सीधा सीधा बात है डॉ यहाँ पे है तो यहाँ पे डॉ क्या हो गया व्यंजन हो गया ए का इस्तेमाल करेंगे ठीक है बाय ए कपल ऑफ ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया कपल ऑफ यहाँ पे यूनिट का बात हो रहा है तो यहाँ पे सीधा बात है कपल ऑफ तो यहाँ पे क्या आ रहा है को आ रहा है ठीक है को आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग ए uh, का इस्तेमाल किए और क्यों कपल से पहले ही क्यों किए क्योंकि हम लोग को जब भी क्वांटिटी यूनिट uh, और प्राइस स्पीड रेशियो बेट का बात करना हो तो उससे पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया ये आपका क्वांटिटी हो गया इसी तरीके से यू कैन रन किलोमीटर इन जस्ट टू मिनट यहाँ पे किलोमीटर हमारे पास क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे uh, बोल सकते हैं एक तरीके से एक uh, मतलब uh, माप हो गया ना हम इतना मापे हैं इतना स्पीड से अगर हम चल रहे हैं ठीक है ठीके? रन अगर कर रहे हैं तो यहां पे देखो इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे ए और एन का तो यहां पे किलोमीटर में हमारे पास कॉ आ रहा है तो कॉ यहां पे व्यंजन है तो इसलिए ए का इस्तेमाल किए ठीक क्लियर ये भी रूल ये भी रूल क्लियर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए ये रूल आपका क्लियर हुआ आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे क्या है हम लोग का एक और खुशी की बात एक खुशी की बात आप लोग के लिए कि आपका जो है ए और एन वाला कंसेप्ट फुल टू फुल क्लियर है आपसे कोई भी आके कुछ भी पूछ लेना हम गारंटी लेते हैं कि आपको बना पाओगे ए और एन अब बात आती है दी का तो अब जो है खास चीज है अक्सर रेस्टोरेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कहां पे डी लगाना है और दी के जहां पे ए और एन का इस्तेमाल करके और चले जाते हैं देखते हैं वहां पे सिर्फ स्वर और व्यंजन देखते हैं और बस निकल पड़ते हैं वो लगाते हैं और कहते हैं हम एकदम सही आर्टिकल का यूज कर दिए नहीं दी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंफ्यूज कंफ्यूज करती है जहां पे ए और एन लगाना मतलब ए और एन नहीं लगता वहां पे सिर्फ डी अगर लगता लेकिन आप लोग ए और एन ए एन वाला कंसेप्ट लगाए और एकदम देखे और एकदम मार के चले आए और गलत आपका हो गया ठीक है तो यही चीज होती है इसलिए डी का इस्तेमाल आप लोग को निश्चित रूप से जानना चाहिए तो आपको बताए थे हम क्या चीज आपको हम दो चीज बताए थे आपको हम दो चीज बताए थे कि आर्टिकल uh, जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला एक इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आती है और दूसरा होती है डेफिनेट आर्टिकल उसमें क्या आती है दी आता है दी इज ए डेफिनेट आर्टिकल ठीक है और यूजेज ऑफ दी क्या क्या है मतलब दी का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं तो अब आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं ठीक है यूजेज ऑफ दी पे हम लोग चर्चा करते हैं यूजेज ऑफ ए और एन हम लोग देख चुके हैं अब हम लोग दी पर चर्चा करते हैं ठीक है चलो सबसे पहला देखिए हमारे पास क्या है न यूज दी डिफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउ ठीक है यहाँ पे क्या है वी कैन यूज डिफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन हम लोग कोई भी कॉमन नाउन से पहले हम लोग जो है दी का इस्तेमाल uh, कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए ही थ्रू ही थ्रू बॉल इंटू द रिवर जैसे यहाँ पे क्या है वह जो है एक बॉल को फेंक दिया रिवर में ठीक है नदी में फेंक दिया तो यहाँ पे क्या है वह एक बॉल को ठीक है मतलब यहाँ पे एक खास बॉल है जिसको उसने फेंक दिया ठीक है तो बॉल पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि वही बल्ब, जो बॉल जो जो है उसको फेंक दिया सारा बल्ब नहीं फेंक दिया ठीक है एक बल्ब है जो फेंक दिया तो यहाँ पे क्या है उस बल्ब पे जो, बॉल पे जोड़ दिया जा रहा है इसलिए यहां पे जो स्पेशल है उसमें हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे ठीक उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखिए दी मदर इज टेकिंग केयर ऑफ दी बेबी ठीक है दी मदर मतलब आ, माँ जो है आ, वो अपने बच्चे की ख्याल रख रही है ठीक है तो यहाँ पे एक माँ जो है वो अपने बच्चे की ख्याल रख रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माँ जो है वो अपने बच्चे की ख्याल रख रही है तो यहाँ पे क्या हो गया माँ एक खास है ठीक है जो अपने बच्चे की ख्याल रख रही है तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे और दी का इस्तेमाल क्योंकि एक बच्चे की जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो माँ के बारे में बात कर रहे हैं और जो बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वो खास है तो हम लोग यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे और हाँ दी के बारे में कुछ कुछ कंफ्यूजन है जैसे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज कर सकते हैं तो अभी जो है कुछ कुछ रूल और जो बताएंगे तो उससे आपका ये ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है ये वाला जो आपको दी जो है कन्फ्यूज जो करता है ना ये वाला कंसेप्ट तब जाके क्लियर होगा दी गर्ल वे आर नॉट इन द स्टेडियम ठीक है Uh, वो लड़की जो है वो स्टेडियम में नहीं है तो यहाँ पे क्या है जिस लड़की को स्टेडियम में होना चाहिए वो तो अभी स्टेडियम में नहीं है तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल तब जाके हम लोग किए और जिस स्टेडियम में होना चाहिए वो खास है तो पे दी का इस्तेमाल वहां पर भी हम लोग किए दे विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक मतलब वे लोग जो है स्कूल जाएंगे अगले सप्ताह तो यहाँ पे क्या कहा जाएंगे स्कूल जाएंगे स्पेशली जो स्कूल में वो लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे उसे स्कूल पे जोड़ दिया गया ही इज प्लेइंग डॉग वो जो है कुत्ते से खेल

थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर यूनिक कुछ ऐसा शब्द कुछ ऐसा चीज ऐसा वस्तु जो कि पूरी दुनिया में एक है इकलौता है स्पेशल है ठीक है उसके पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे दाइन साइन इन द स्काई ठीक है तो सबसे पहले एक हो क्या यहां पे बोले एक हो तब जाके तो यहां पर बोलेगे भैया स्टार्स फंस गए आप कि तारे तो बहुत हैं तो आप जो है इसके सामने दी का इस्तेमाल कर कैसे दिए भैया आप गलत पढ़ा रहे हैं दी का इस्तेमाल आप कर कैसे दिए तो देखो स्टार्स को यहां पे क्या माना गया दी है, स्टार्स साइंस इन द स्काई जो तारे हैं वो आसमान में चमक रहे हैं तो हम लोग उसको एक मान लिए ठीक है उसको हम लोग क्या मान लिए एक मान लिए जैसे अगर हम बात करेंगे फौजी वैन में जा रही है मतलब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है फौजी कोई एक नहीं है वहां पे पूरी टोली है और पूरे टोली को हम लोग एक समूह मान लिए तो चीज नाउन में आगे आपको समझ में आएगा अगर आप हिंदी में भी अगर पढ़े होंगे ना संज्ञा वगैरह तब भी आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा बाकी आप जब नाउन पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपका क्लियर होगा ठीक है तो यहाँ पे स्टार्स को हम लोग एक मान लिए और इसलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल किए ठीक है ठीके? और स्काई जो है एक है तो हम लोग यहाँ पे दी का इस्तेमाल किए आगे देखिए सन राइजेज इन दस्ट तो यहाँ पे सन क्या है एक है ठीक है यूनिक है पूरा वर्ल्ड में तो यहाँ पे क्या है हम लोग दी का इस्तेमाल किए उसके बाद दी स्काई इज ब्लू तो यहाँ पे स्काई क्या है एक एक है एक स्काई एक आसमान है ठीक है आसमान एक है चाहे हमारे लिए चाहे हाँ, आपके लिए चाहे किसी और के लिए तो वो क्या हो गया हम लोग वो स्पेशल हमारे लिए हो गया तो दी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ठीक क्लियर आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक है ठीक है वो क्या है एक है तो हम लोग यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी जो है बात करें तो अभी अगर मान ले ठीक है अभी हमारे पास प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की अगर बात करें राष्ट्रपति ठीक है तो राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है अभी है तो ये जैसे बने हैं तो वो क्या है एक है ठीक है तो प्रेसिडेंट जो है वो एक है तो यहां पे वो हम लोग के लिए यूनिक है एक है हो गया। दी का करेंगे। सन, तो यहां पे सूरज एक है तो हम लोग यहां पे डी का इस्तेमाल करेंगे वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा भी एक ही होता है तो यहां पे दी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ठीक चलो क्लियर बोलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ और आसान करे और आसान करे क्या दी का चलो और थोड़ा सा आसान बनाते हैं और थोड़ा सा कुछ कुछ और फॉर्मूला देखते हैं जिससे दी आपका और ज्यादा आसान हो जाएगा ठीक है दी आपका और ज्यादा आसान हो जाएगा जैसे यहां पे देखो क्या है दी इज यूज टू रेफर टू द दार्ट ऑफ बॉडी ठीक है जब बॉडी के पार्ट के बारे में बात किया जा रहा तब जाके हम लोग दी का करेंगे। सिंपल बात है याद कर कर लो जब जब बॉडी के पार्ट जब तो का का हम चर्चा रहे होंगे तो उसमें दी इस्तेमाल करेंगे जैसे राइट लंग्स ठीक है यहाँ पे क्या हो गया लंग्स हमारे पास दी राइट राइट लंग अगर बात करें लेफ्ट लंग लंग्स और राइट right लंग्स uh, मतलब यहाँ पे क्या हो गया तो राइट लंग्स हमारा क्या हो गया एक स्पेशल बॉडी का पार्ट हो गया तो हम लोग दी का इस्तेमाल किए ठीक है आगे देखिए यहाँ पे क्या है हार्मफुल फॉर लंग्स तो यहाँ पे लंग्स हमारा बॉडी का पार्ट है दी का इस्तेमाल किए द हर्ट ठीक है हर्ट uh, यहाँ पे क्या है बॉडी का पार्ट है दी का इस्तेमाल किए बॉडी हमारा यहाँ पे uh, क्या हो गया एक बॉडी है यहाँ पे दी का इस्तेमाल हम लोग किए ठीक है थीके? चलो आगे और बढ़ते हैं मतलब बॉडी का पार्ट जब भी दिखे तो सीधा बात है उसमें हम लोग दी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे चौथा रूल पे आते हैं पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट बिफोर द इधर ठीक है दी का इस्तेमाल हम लोग कब कब करते हैं जब डेट दिया हो और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तब जाके हम लोग क्या करते हैं दी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब ईयर दिया हो तब जाके हम लोग नहीं इस्तेमाल करते जैसे अगर दे दिया दो हजार ईस्वी ठीक है दो हजार ईसवी टी डी टू थाउजेंड नहीं लिख सकते हैं जबकि वो यूनिक है अगर बात करें डी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ये यूनिक नहीं है ठीक है यहाँ पे ये जो बात करोगे इससे पहले हम लोग डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है ये सब इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी यहां पे बात क्या करेंगे डेट के सामने और पीरियड ऑफ टाइम के सामने तो पीरियड ऑफ साइन क्या होती है अभी चलिए वो उसको भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो यहां पे देखिए यहाँ पे क्या है ट्वेंटी अप्रैल ठीक है यहाँ पे डेट है तो हम लोग डी का इस्तेमाल किए उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है नाइनटीज तो यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम है

पीरियड ऑफ टाइम जब भी रहेगा या डेट रहेगा तुम तो लोग दी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन ईयर के लिए हम लोग नहीं करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं पांचवा रूल यहां पे देखते हैं पांचवा रूल हमारे पास क्या है दी इज यूज्ड बिफोर दी नेम्स ऑफ सी रिवर्स डेजर्ट माउंटेंस एंड नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग ठीक है अगर कोई बड़ा पब्लिक बिल्डिंग है या फिर कोई भी आ, आ, समंदर है नदी है डेजर्ट है माउंटेन है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे उस समय हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे उस समय का इस्तेमाल करेंगे ठीक है? तो का इस्तेमाल हम लोग तो लो कहाँ करेंगे ये चीज आपका क्लियर हो रहा है तो दी का इस्तेमाल हम लोग इन सारी जगह पे करेंगे अगर समंदर हो ठीक है अगर नदी हो अगर डिजर्ट राजस्थान हो मतलब सॉरी <laughs> रेगिस्तान हो ठीक है अगर माउंटेन हो यानी पहाड़ हो और नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग बहुत ही बड़ा पब्लिक बिल्डिंग हो अगर तब जाके उस समय हम लोग क्या करेंगे उस समय हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है अभी जैसे पे क्रोस, आ, क्रोस एर, न, आ, तो यहाँ पे देखो दिस सिप क्रॉस क्रॉस पैसिफिक एयर ओशियन ठीक है तो पैसिफिक ओशियन यहाँ पे समुद्र का नाम है तो यहाँ पे क्या हो गया दी का इस्तेमाल किए और सिप एक क्रॉस कर रही है यहाँ पे इसलिए दी का इस्तेमाल यहाँ पे किए डेली स्टैंड ऑन दी आ, बैंक ऑफ दी मनाथ यहां पे एक नदी का नाम है इसलिए दी का कहोगे दिल्ली भी तो एक है तो शहर के सामने जो है न, न, कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं ठीक है ठीके? कोई भी शहर या कंट्री देश वगैरह के सामने कोई भी दी का उपयोग नहीं करते हैं जबकि बात करेंगे इंडिया एक स्पेशल देश है यूनिक देश है पूरे वर्ल्ड में एक ही है लेकिन फिर भी हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना किसी के सामने हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो यह सब रूल है अभी आगे वो भी हम आपको बताते हैं ठीक है आगे देखिए क्या है आगे यहाँ पे क्या बोला गया है सहारा तो यहाँ पे ये क्या है रेगिस्तान है डिजर्ट है तो यहाँ पे क्या हो गया दी का इस्तेमाल करेंगे अः हिमालय पर्वत का नाम है तो इसके सामने हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे ताजमहल क्या है पब्लिक बिल्डिंग है यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे आ, इसके बाद टाउन हॉल यहाँ पे क्या पब्लिक बिल्डिंग है तो हम लोग यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे ठीक क्लियर क्लियर ये सब क्लियर हो रहा है ना बोलिए जो आपको हम फॉर्मूला रूल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो रहा होगा जी हाँ भैया जी ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़िए देखिए यहाँ पे क्या है डू यूज दी दी बिफोर द नेम ऑफ रिवर ओशियन एंड सीज ठीक है यानी जैसे कोई भी समंदर नदी uh, वगैरह रहे तो हम लोग सीधा सी बात है वो उसके सामने दी का इस्तेमाल करेंगे जैसे पैसिफिक ओशियन है तो हम लोग उसके सामने दी का इस्तेमाल करें uh, यमुना एक नदी है यहां यहाँ पे हम लोग दी का इस्तेमाल किए ऐसे ही सारे नदी ठीक है सारे नदी वगैरह आगे चलिए <coughs> आगे क्या है जब भी कोई जो है ज्योग्राफिक एरिया हो जैसे मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर वेस्ट कंट्रीज की बात करें तो उस समय हम लोग दी का बात करेंगे कोई भी एक ज्योग्राफिक एरिया की बात कर करें कोई भी विश्व में कोई एक ऐसा जगह है उस तरफ तो उस जगह की अगर जब हम बात करें तो वो सिंपल सी बात है उससे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है उससे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे क्लियर अब तो चलो अब देखो अभी हम लोग यहां पे सब कुछ जान गए तो ए का उपयोग कहां पे करेंगे एन का उपयोग कहां पे करेंगे और दी का उपयोग कहां पे करेंगे लेकिन ये भी तो सवाल आती है कि कहां पे हम लोग यूज नहीं करेंगे चलिए तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दी का उपयोग हम लोग कहां कहां नहीं करेंगे तो सबसे पहले देखिए डू नॉट यूज इन यूज दी बिफोर इस सब से पहले हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं करना है जैसे कोई भी मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज और टेरिटरीज जितने भी हैं जैसे इटली बात करें इटली के पहले जो है हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मैक्सिको इंडिया पाकिस्तान चाइना इस सबसे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज आपका क्लियर है उसके बाद देखिए हाउ एवर द नीदरलैंड नीदरलैंड और फिलिपींस द यूएसए एंड नेम्स ऑफ एंड सम नेम यूज बिफोर ठीक है ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जैसे नीदरलैंड फिलीपींस यूएसए और यूएस ये सब जो है इस सबसे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज जो भी जितने हैं वो सब जो है हम लोग उससे पहले नहीं करेंगे लेकिन जितने भी मतलब यूनिट होते हैं मतलब जैसे अगर बात करें यूएसएसर के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं तो इसलिए उस सब में हम लोग क्या कर रहे हैं दी का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थीके? ये सब कुछ एक्सप्रेशन में आती है उसके बाद बात करें नेम ऑफ सिटीज टाउन और स्टेट जैसे अगर हम बात करें बिहार ठीक है बिहार दिल्ली ठीक है ठीक है तो इन सब आ, कोई भी आ, अगर बात करें शहर बात करें पटना बात करें रांची बात करें तो उस सबसे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक आगे चलो नेम ऑफ स्टेट कोई भी गली का नाम है आ, तो उस सब गली के पहले जो हम लोग नाम नहीं कर सकते हैं महात्मा गांधी स्ट्रीट एमजी स्ट्रीट ये सबसे पहले हम लोग नहीं कर सकते हैं देखिए उसके बाद कोई भी लेख हो तो उसको हम लोग उस समय हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है आगे देखो आगे देखो यहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्ट दी एक्सेप्ट विच ए ग्रुप ऑफ लेक अगर बहुत सारे नदी हैं मतलब ये झील है बहुत सारे झील है बहुत सारे झील है और इन सब झील का एक नाम है ठीक है तब जाके हम लोग उसके सामने दी का इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है जैसे द ग्रेट लेक ठीक है इसमें बहुत सारे झीलों का ये समूह है इसलिए हम इसके सामने दी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है ये भी देख लिए अब यहाँ पे बात करें कोई कोई ऐसा जगह होता है जहां पे आर्टिकल हम लोग को लगाना ही नहीं होता है ठीक है कोई कोई ऐसा भी जगह है जहां पे हम लोग को आर्टिकल लगाना ही नहीं होता है तो उस जगह को भी थोड़ा सा जानते हैं उस वैसा जगह को भी जानते हैं जैसे देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं सबसे पहला व्यक्ति गांव शहर जिला राज्य देश और आ, या आ, महादेश के खास नाम से पहले हम लोग सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग कोई भी एक नाम है तो नाम के आगे ए और दी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है या कोई भी शहर है तो उससे पहले ए एन आर्टिकल वगैरह नहीं लगता है कोई भी कंट्री है तो आर्टिकल नहीं लगता है ठीक उसके बाद देखो उसके बाद देखो आगे क्या है दूसरा रूल देखो यहां पे क्या है भाषा एवं विषय के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है जैसे कोई भी अगर इंग्लिश भाषा हुआ फ्रेंच भाषा हुआ हिंदी हुआ उर्दू हुआ बंगाली हुआ तमिल हुआ कोई भी भाषा है उससे पहले हम लोग ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे अगर बात करें आ, फिजिक्स आ, तो इसके सामने भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल का यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट है सब्जेक्ट भाषा और विषय के नामों के आगे आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते ठीक है उसके बाद क्या है मैथेमेटिक मैथमेटिक्स तो देखिए इससे भी पहले हम लोग नहीं यूज किए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे क्या है महीनों के नामों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है ठीक है जैसे देखो जनवरी है जनवरी तो यहां पे जनवरी से पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं किया आर्टिकल ठीक देर इज मंडे ट्यूडे तो यहां पे देखिए मंडे यहां पे दिन का नाम हो गया इससे पहले भी नहीं किया यानी दिन और महीने के नामों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ठीक क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं बस थोड़ा सा ही है थोड़ा सा और देख लो क्योंकि आर्टिकल कहां पे यूज नहीं करते हैं इससे क्वेश्चंस रहती है सच में बात कर रहे हैं आपके एग्जाम में ये चीज रहता है चार ऑप्शंस दे देगा पहला ए एन डी और चौथा ऑप्शन में नो आर्टिकल दे देगा तो उस समय आप क्या करोगे जहां पे नन नहीं रहेगा नो आर्टिकल रहेगा उस समय बीमारियों के नामों से पहले आर्टिकल का नहीं लगाते हैं जैसे ही सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स या फिर चोलेरा तो कोई भी एक बीमारी है उससे पहले हम लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ बीमारी है जिसके नामों से पहले हम लोग प्रयोग करते हैं दी जैसे प्लेग दिकॉट एंड मिजल्स और मंप uh, ये यहाँ पे कुछ बीमारी हैं ये चार याद रखिएगा जिससे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे बढ़िए आगे बढ़िए एक दो रूल और है इसको भी थोड़ा सा देख ही लीजिए uh, जैसे यहां पे देखिए पर्वों और ऋतुओं के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है जैसे यहां पे होली क्रिसमस uh, ये सब पर्व है इस सब से आगे हम लोग क्या करते हैं uh, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं उसके बाद देखो खेल कूद के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा चाहे वो फुटबॉल हो टेनिस हो क्रिकेट हो बैडमिंटन इस सब से नाम के आगे हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे ठीक है आगे बढ़िए सातवां नंबर पे यहाँ पे क्या है इसमें है भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए क्या है राइस एंड फिश तो यहाँ पे ए एड एन कुछ नहीं लगाएंगे ये भोजन सामग्री है ठीक है आगे देखिए क्या है टी कॉफी तो यहाँ पे भोजन सामग्री है चिकन ये सारे चीज क्या है भोजन सामग्री है उसके बाद यहाँ पे देखिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब भोजन सामग्री है तो इस सबसे पहले हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे ठीक क्लियर क्लियर है चलो तो आज हम आपको यहाँ पे बताए कि आर्टिकल का उपयोग आपको किस तरीके से करना है ए और ए एन और दी का उपयोग आपको कहां कहां पे करनी है ये भी चीज आपको हम बहुत अच्छे से समझाए ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा जो हम आपको समझा रहे थे वही चीज आपको समझ में आया होगा तो अब आपको यहां पे ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि आप पुराने रूल्स को नहीं मानेंगे जो नए रूल्स आपको बताए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहे ठीक है और और डेली हम आपको शाम में मिलेंगे तो मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि आपका डेली यहाँ पे इसी तरीके से तैयारी होते चले और ग्रामर आपकी शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत अच्छा हो जाए ठीक है तो अगर आपको समझ में भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप शुरुआत से जाइए और अच्छे से क्या करिए कॉपी में प्रॉपर हर एक चीज को नोट करते चलिए ताकि आपका आर्टिकल और ज्यादा अच्छा हो जाए ठीक है इसलिए आप कॉपी में जरूर से इसको नोट करिएगा और बार बार उसको रिवाइज करिए और ग्रामर प्रैक्टिस का चीज है ठीक है और बोलोगे तो हम इस पर प्रैक्टिस वीडियो अलग से एक ला देंगे कल तो आपका आर्टिकल का और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी बोलो तो कल प्रैक्टिस वीडियो ला दे